ओम श्री गणेशाय नमः। मार्गशीर्ष माह को अघन मास भी कहते हैं। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी उत्पन्ना या उत्पत्ति एकादशी कही जाती है। इस माह में आने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस दिन एकादशी माता का जन्म माना गया था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की आराधना से पूर्व जन्म और वर्तमान दोनों जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं साल 2023 में उत्पन्ना एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा विधि व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत के जरूरी नियमों के बारे में। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निर्वृत हो जाना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर एक साफ चौकी पे भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर धूप दीप जलाएं और भगवान विष्णु को चंदन का तिलक कर पीले फूल फल व नवेद अर्पण करें। पूजा में विष्णु मंत्र का जाप और तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करें। एकादशी व्रत कथा पढ़े या सुने। अंत में आरती कर सभी में प्रसाद वितरण करना चाहिए। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के उत्पन्ना एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 8 दिसंबर सुबह 5:06 पर, जबकि इसका समापन होगा 9 दिसंबर की सुबह 6:31 पर। एकादशी व्रत उदय तिथि के अनुसार किया जाता है। वहीं जबकि एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही हो तो ऐसे में गृहस्थ यानी स्मार्ट संप्रदाय वालों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए और दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय को व्रत रखना चाहिए। इस बार गृहस्थ जीवन वालों के लिए उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर को मान्य होगी और 9 दिसंबर को वैष्णव संप्रदाय के लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेंगे। पंचांग के अनुसार गृहस्थ जीवन वाले जो लोग 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेंगे उन्हें 9 दिसंबर को दोपहर 1:15 से दोपहर 3:20 के बीच व्रत का पारण करना चाहिए। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग जो 9 दिसंबर को व्रत करेंगे उन्हें 10 दिसंबर की सुबह 7:02 से सुबह 7:13 के बीच उत्पन्ना एकादशी का व्रत पारण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत में तामसिक भोजन जैसे प्याज लहसुन बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी व्रत के नियम 1 दिन पूर्व दशमी से ही शुरू हो जाते हैं और यह व्रत द्वादशी पर समाप्त होते हैं। दर्शकों, आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।